हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपने आज के इस वीडियो पर। हम हमेशा विदेश की बात करते आए हैं, पर आज के इस स्पेशल वीडियो में भारत के सबसे खास और अनोखे राज्य पर हम बात करेंगे और इसका नाम है कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो आज भी पुराने और ऐतिहासिक भारत की याद दिलाता है। साथ ही कोलकाता में स्थित सोनागाछी पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता से जुड़े कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, जो आपको हैरान कर देंगे। तो अगर मेट्रो सिटी के लिहाज से देखा जाए तो कोलकाता भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन एरिया के मुताबिक यह दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौरान कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था और लंदन के बाद पूरे ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। लेकिन सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। कोलकाता में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, और यहाँ पर बसने वाले ज्यादातर बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर और नूरुल इस्लाम की रचना से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल लोगों को पुराने भारत की याद दिलाता है, और कोलकाता को ऐसी खूबसूरत इमारतों के लिए सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आज भी ट्रैम्प व्हील चलती हैं, और ट्रैम्प व्हील को कोलकाता के परिचय का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा यहां आज भी हाथों से खींचे जाने वाले रिक्शे चलाए जाते हैं। दोस्तों, कोलकाता का ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम पूरे भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कोलकाता में मौजूद साइंस सिटी पूरे भारत का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। दोस्तों, कोलकाता ही वो पहला शहर है जहां अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन बुरी आत्माओं से प्रभावित है और इस पर 70% से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। दोस्तों, कोलकाता में स्थित रॉयल गोल्फ क्लब इंग्लैंड के बाहर दुनिया का सबसे पहला क्लब है, जो सन 1829 में बनाया गया था। दोस्तों, यह बात गर्व करने वाली है कि टोक्यो के बाद कोलकाता एशिया का ऐसा शहर है जिसे 5 नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसी के साथ कोलकाता में पुरानी किताबों की सबसे बड़ी मार्केट है। दोस्तों, कोलकाता में यूं तो कई त्योहार खुशियां लाते हैं, पर दुर्गा पूजा के अवसर पर सारा कोलकाता इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। 4 से 5 दिन कोलकाता के सड़कों पर लंबी लंबी झांकियां निकलती हैं और सारे लोग इसे बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। दुर्गा पूजा कोलकाता में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला पर्व है। दोस्तों, कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और यही नहीं, कोलकाता में मोहन बाबू नौरी क्लब को भारत के सबसे 2 बड़े फुटबॉल क्लब्स में गिना जाता है। कोलकाता में स्थित बिरला प्लेनेटोरियम को पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहा जाता है, जहां पर दिन में ही लोग तारों से भरी रातों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, द इम्पीरियल म्यूजियम कोलकाता की शान को और बढ़ाता है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम होने का खिताब भी अपने पास रखता है। कोलकाता में मौजूद अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। दोस्तों, कोलकाता बुक फेयर्स पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। मिष्टी दोई, माजर झोल, कौशा, मोंगशू, अलूर टोरकरी, लोची, छोलर दाल, शुक्तो और चोमकॉम यहाँ के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। दोस्तों, कोलकाता की भाषा सुनने में जितनी मधुर है, उतनी ही सुंदर यहाँ की महिलाएं होती हैं। अभी के समय में कोलकाता में कई शानदार टूरिस्ट को ठहराने के लिए होटल्स भी बनाए गए हैं। हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1943 में शुरू हुआ था, जो काफी पुराना है। दोस्तों, कोलकाता का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना सपोर्ट करिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।